मामला दो दिन पहले का है। दरअसल एक राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल के चेयरमैन के साथ हिंदूवादियों और आगरा के पूर्व मेयर इंद्रजीत आयर ने न केवल ताजमहल के अंदर हाथ जोड़कर प्रवेश किया बल्कि ताज के मुख्य द्वार के सामने बैठकर हाथ जोड़कर ध्यान यांग और भजन भी किया गया। पूर्व मेयर और हिंदूवादी नेता का कहना था कि ताजमहल के मुख्य द्वार में बनी मुख्य कब्र के रास्ते को भगवान शिव की पिंडी तक जाने का रास्ता बताते हुए फूल और चावल भी चढ़ाए गए थे। हालांकि फूल और चावल चढ़ाने का वीडियो अभी सामने नहीं आया है। वायरल वीडियो में हिंदूवादियों की मंशा को समझते हुए ताजमहल की सुरक्षा में तैनात CISF के जवान भी सक्रिय दिखाई दे रहे थे, जो लगातार उन पर नजर बनाए हुए दिखाई दे रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि पूरी दुनिया में यह संगमरमर का हुसन ताजमहल के नाम से जाना जाता है तो वह ही इतिहास का पीएनओके की किताब के सामने आने के बाद से लगातार ताज विवादों में घिरता चला गया। ऐसा बताया गया है कि राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल के चेयरमैन ने अपने कार्यक्रम के जरिए ताजमहल को तेजोमहालय बताते हुए करीब एक सप्ताह पहले ताजमहल में पूजा करने का ऐलान किया था, जिसके तहत शायद वो आगरा आए हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर जब एडीएम सिटी से बात की गई तो उन्होंने वीडियो की जांच के बाद तथ्यों का आधार पर कार्रवाई की बात कही है। आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। मैं अमित चौधरी, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच। अमित जी, कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं, और एक आपके द्वारा एक सोशल साइट पे वीडियो भी एडिट करके पूरा अपलोड किया गया है, क्या पूरा मामला? ताजमहल को हम शुरू से तेजोमहल मानते हैं, हम हर हिंदू की ऐसी मान्यता है, जितने भी हम लोग हिंदूवादी लोग हैं उनकी तो बचपन से और तीन पीढ़ियों से ऐसी मान्यता रही है। ये तेजोमहल है, नाथ नाथेश्वर का मंदिर है, क्योंकि ये प्राचीन काल में आगरा अगीरा ऋषि के द्वारा बनाया गया था और अगीरा नाम से जाना जाता था। उन्होंने पांच महादेव के मंदिर बनाए, जिसमें एक मनकामेश्वर है, एक पृथ्वीनाथ मंदिर है, एक बल्केश्वर है, एक राजराजेश्वर है और पांचवा मंदिर ये तेजोमहल था नाथ नाथेश्वर का। तो उस दिन हम लोग सब पूजा अर्चना वहाँ करने गए और हम लोगों ने बोला कि हमको अपने नाथ नाथेश्वर की पूजा अर्चना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मन में भाव रख के पूजा करेंगे तो कौन हमें रोक सकता है। तो वहाँ पर हमारे जो जेब में कुछ पुष्प थे, कुछ चावल के दाने थे, छोटे छोटे भगवान महादेव के जो फोटो थे उनको हमने सामने रखे और अपने मन में एक ऐसी आस्था रखी कि हमारा तेजोमहल नाथ नाथेश्वर का मंदिर है। तो हमने पूजा अर्चना करी मन में ऐसा भाव रख के और हम हर सोमवार को जाया करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा हर महीने में एक सोमवार को या दो महीने में एक सोमवार को जाएंगे, हाथ जोड़ के आएंगे नाथ नाथेश्वर महादेव के। ऐसा हम सभी हिंदुओं ने वहाँ पर संकल्प लिया। क्या फूल चावल वगैरह भी चढ़ाए गए थे वहाँ? हाँ, एक फूल और कुछ चावल के दाने भी चढ़ाए गए थे। हम लोगों ने वहाँ पूजा अर्चना करी, मन में ऐसा भाव रखा, वहाँ पे LIU और CRPF के लोगों के द्वारा रोका भी गया। तो हमने उनसे पूछा भी कि शिवलिंग कहाँ है, आप हमें बता दो। नीचे जो 21 जो कमरे थे उनको जो चिन्हवा दिया गया, उनमें जो मूर्तियां रखी हुई हैं आप खुलवा दो, इतिहासकार PNO की किताब में 140 तथ्य हैं जिनके द्वारा ये बिल्कुल प्रूफ होता है कि ये ताजमहल नहीं तेजोमहल है। 800 से ज्यादा ऐसे चिन्ह है जो PNO की अपनी किताब में लिखे कि इसमें बदलाव किए गए, रिकंस्ट्रक्ट किया गया इसे। तो हम तो ये कहते हैं पूरी मीडिया, पूरी दुनिया के इतिहासकार रिसर्चर वहाँ पर जाएं, उन दरवाजों को खुलवाएं जो इनसे चिन्हे हुए, सबके सामने सत्य और तथ्य वहाँ पर सामने आ जाएंगे। दो दिन पहले ताजमहल में आगरा के मेयर, कुछ हिंदूवादी नेता और सुदर्शन न्यूज चैनल के जो मालिक हैं सुरेश चौहान, वो ताजमहल के अंदर जाते हैं, कुछ वीडियो और इमेज वायरल किए गए हैं कि वहाँ पूजा अर्चना की है, तो क्या कार्रवाई करेंगे और क्या है? इस तरह का प्रकरण आपके न्यूज चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया है, इसमें जो भी वीडियो क्लिप्स वगैरह जो प्रोवाइड कराए जाएंगे उसका पुलिस से दिया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा और इसके उपरांत ही नियमानुसार जो कार्रवाई संपादित की जाएगी वो की जाएगी। क्या ताजमहल के अंदर कोई हिंदूवादी पूजा कर सकता है? इसके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो वीडियो देखने के बाद क्या कार्य किया जा सकता है, क्या कार्य नहीं किया जा सकता है, उनके परीक्षण के उपरांत ही इस पर कुछ कहा जा सकता है, जिसकी एक विस्तृत जांच होना भी आवश्यक है। अभी हाल ही में अमित जानी ने एक सोशल साइट पे इमेज एडिट करके पोस्ट किया था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जो मुझे परसों जो गए हैं हिंदूवादी नेता, इन्होंने पूरा वीडियो एडिट करके अपलोड किया गया है, तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इनके भी खिलाफ जो भी आप बता रहे हैं, जो फेसबुक पे या जो सोशल मीडिया पे जो भी चीज आई है जी, इसका संज्ञान लेते हुए जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं उनको प्रेषित किया जाएगा, उसका परीक्षण करेंगे, इसके उपरांत ही कोई कार्रवाई करेंगे। जो वीडियो अपलोड किए गए हैं सोशल साइट पर, इनकी जाँच होगी पूरी? बिल्कुल होगी, अगर कोई प्रस्तुत करता है वीडियो जी तो उनकी जरूर जाँच की जाएगी।